Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और ये है फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित माउंट ब्लेंस हिल। पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें मिलने लगी। साल 2016 में बर्फ में दबा एक बैग मिला जिसमें कई सारे टॉप सीक्रेट पेपर्स भरा हुआ था। न्यूक्लियर पावर के बारे में भी बहुत सारे दस्तावेज मिला। यहाँ पर एक ऐसा पेपर का टुकड़ा भी मिला जो 20 जनवरी 1996 को इंडिया में छपा था। ये पेपर का टुकड़ा लगभग 50 सालों से बर्फ में दबा हुआ था और आज भी ये सुरक्षित है। फिर साल 2017 में कुछ ऐसे बॉडीज भी मिला जो किसी इंडियन का लग रहा था। इसके अलावा 2013 में एक मेटल का बॉक्स भी मिला जिसमें भारतीय संस्कृति का निशान बना हुआ था। इस बॉक्स में भरा हुआ था ढेर सारे कीमती पत्थर। आखिर ये सब चीजें बर्फ के अंदर से कैसे निकल रही थी? आखिर भारतीय सामान भारत से इतनी दूर माउंट ब्लेंस के पहाड़ों में कैसे दफन हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 1962 जब इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ, इसके 2 साल बाद ही चाइना ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ये टेस्ट भारत के लिए एक खतरे की निशानी थी, पर इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए होमी जहांगीर बाबा लगे हुए थे, जिसे आज हम फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने आजादी से पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था और 1964 में पब्लिकली ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 18 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर लेंगे। 20 जनवरी 1966 होमी जहांगीर बाबा अपने न्यूक्लियर पावर के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लंदन ले जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट 101 में टिकट लिया। इस प्लेन को कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट 101 को बॉम्बे से दिल्ली, इसके बाद बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन जाना था। प्लेन में 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार हो गए। प्लेन सही सलामत बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गया और फिर बेरूत से होते हुए जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। उस दिन मौसम थोड़ी खराब थी, कभी कभी तो घने बादलों के कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता था, पर जेनेवा ATC लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन अब धीरे धीरे जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। ATC ने कहा कि आप 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आकर जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डिसेंट करना शुरू करें। ATC लगातार रेडियो कॉल पर फ्लाइट 101 को गाइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से प्लेन का कनेक्शन टूट गया। ATC ने फिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया, पर पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एयर इंडिया 101 के साथ आखिर क्या हुआ, ये किसी को भी पता नहीं था। इस प्लेन को कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए था, पर अफसोस, एयर इंडिया फ्लाइट 101 दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया होगा। प्लेन के लास्ट लोकेशन के अनुसार पायलट से आखिरी बातचीत तब हुई थी जब ये प्लेन माउंट ब्लेंस के ऊपर फ्लाई कर रहा था। हो ना हो ये प्लेन उसी हिल से टकराया होगा। उधर आसपास के निवासियों का भी ये कहना था कि हमने एक तेज आवाज सुनी। अब बचाव दल के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उतने ऊंचाई तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये पर्वत इतनी खड़ी चढ़ाई पर है कि वहां तक चढ़ाई करके क्रैश पॉइंट को खोजना बहुत ही मुश्किल था। 1966 में उतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही GPS या इंटरनेट। कुछ प्लेन्स को हिल के ऊपर से उड़ाया गया इस उम्मीद से कि शायद क्रैश पॉइंट का लोकेशन मिल जाए, पर मौसम की खराबी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंचने में असमर्थ रहे। हादसे के दौरान अगर कोई जिंदा बचा भी होगा तो कड़ाके की ठंड में मौत तो निश्चित थी। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम किसी तरह से पर्वत के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बर्फ के सफेद चादर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से लगातार बर्फ गिरने से कुछ ही घंटों में प्लेन बर्फ के चादर में दब गया, इसलिए रेस्क्यू टीम को कहीं भी प्लेन का मलबा नहीं दिखाई दिया। कई दिनों के खोजबीन के बाद भी प्लेन का महज कुछ ही छोटे छोटे टुकड़े मिल पाए। बाकी प्लेन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहां गायब हो गया, ये अपने आप हैरान कर देने वाला मंजर था। महीनों तक खोजबीन चलती रही। 117 लोगों में से बस गिने चुने बॉडीज को ही खोजा जा सका और बस कुछ छोटे छोटे प्लेन के टुकड़े ही मिल पाए। पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सारे यात्री गायब हो गए।
प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो पूरे केस की गुत्थी सुलझा सकता था, वो ब्लैक बॉक्स भी बर्फ में कहीं दफन हो गई। इन्वेस्टिगेशन की टीम बस अनुमान ही लगा सकते थे कि आखिर एयर इंडिया 101 के साथ क्या हुआ होगा। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक अनुमानित रिपोर्ट जारी किया। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट ने अपने एल्टीट्यूड को 19,000 फीट पर बताया। एटीसी ने पायलट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही आप पर्वत को पार करेंगे, प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करते हुए प्लेन को लैंड करा देना। यहाँ पर एटीसी को फ्लाइट 101 का एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं था, क्योंकि प्लेन का VOR रिसीवर काम नहीं कर रहा था। VOR को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो ग्राउंड में एक ट्रांसमीटर होता है जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो दो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। एयरक्राफ्ट में लगा एंटीना इस रेडियो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। इसके बाद इस प्रोसेस में लगे समय के अनुसार ये पता चल जाता है कि प्लेन का पोजीशन कहां पर है। हालांकि इसका रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है, मतलब कि प्लेन का लोकेशन थोड़ा लेट से पता चलता है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्लाइट 101 में प्लेन का VOR रिसीवर काम नहीं कर रहा था, इसलिए एटीसी को यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। वो पूरी तरह से पायलट पर ही डिपेंडेंट थे। पायलट जो कह रहे थे उसी को सही लोकेशन मानकर एटीसी उन्हें गाइड कर रहा था कि आखिर प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर जाना है। एटीसी ने कहा कि पर्वत को पार करके प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करो, लेकिन मौसम की खराबी के कारण पायलट को पता ही नहीं चल पाया कि हमने पर्वत को पूरी तरह से पास किया है या नहीं। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे 19,000 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। माउंट ब्लेंस के कुछ चोटियों की ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक है। पायलट को लगा कि प्लेन पर्वत के ऊपर से होते हुए गुजर चुका है, लेकिन सच तो ये थी कि अभी भी कुछ हिस्से को पार करना बाकी था। पर अफसोस, पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया था। प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक पायलट को सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया और फिर एक धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। एटीसी प्लेन के लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई, प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। जांचकर्ताओं का मानना था कि ये टक्कर इतना जोरदार रहा होगा कि ये प्लेन फिसलते हुए नीचे की ओर आने लगा होगा, और टकराव के कारण बर्फ का विशाल ढेर खिसकते हुए प्लेन के साथ साथ नीचे आना शुरू हो गया होगा। प्लेन का ज्यादातर मलबा और यात्रियों के बॉडीज बर्फ में दब गए। शायद इसीलिए क्रैश पॉइंट को बर्फ में ढूंढना मुश्किल हो गया। प्लेन में मौजूद होमी जहांगीर बाबा का टॉप सीक्रेट पेपर भी बर्फ में कहीं दब गया। समय के साथ साथ बर्फ की परत मोटी होती गई और एयर इंडिया विमान के सारे सबूत बर्फ के चादर में कहीं दफन हो गया। आज भी हम ये पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते कि असल में हुआ क्या था इस प्लेन के साथ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, बढ़ते तापमान के कारण बर्फ भी पिघलने लगी, और एयर इंडिया का विमान जो सालों पहले बर्फ में दब चुका था, आज धीरे धीरे उसका मलबा बाहर निकल रहा है। कभी एयर इंडिया का मेटल बॉडी का कोई हिस्सा मिलता है, तो कभी न्यूज़पेपर जिसमें महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी का न्यूज छपा था। एयर इंडिया से पहले भी एक दूसरा एयर इंडिया का विमान यहीं पर कहीं क्रैश हुआ था। समय के साथ साथ इस प्लेन का मलबा भी यहां से निकलता रहता है। इसके अलावा यहां के एक पड़ोसी गांव से एक कपल पहाड़ों में घूमने के लिए आए थे, पर दोनों के दोनों लापता हो गए। करीब 70 सालों के बाद जब बर्फ पिघलने लगी, तब दोनों का बॉडी बाहर निकल आया। 70 सालों बाद भी बॉडी बिल्कुल सही कंडीशन में थी। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ सोल्जर्स और उनके सबूत भी यहाँ से मिल चुका है। इतिहास की दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सालों पहले दफन सबूत मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भी दर्शा रहा है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने सारे भारतीय सामान भारत से दूर वीरान बर्फ के चट्टानों में कैसे कैद हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।